एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द हेयर पोरोसिटी एंड हेयर टेक्सचर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो देन डोंट फॉरगेट टू स्क्रॉल डाउन थ्रू ऑल माय वीडियोस एंड अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव सीन पीपल सेइंग कि अरे ये हेयर मास्क तो मेरे हेयर पर सूट ही नहीं हुआ, मेरा और हेयर फॉल हो गया, मेरे हेयर ड्राई हो गए, मेरे हेयर और रफ हो गए, ये हेयर मास्क बिल्कुल भी काम का नहीं है, इसके मुझे बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो ये सब एक ही वजह से है, दैट इज जस्ट बिकॉज योर हेयर टाइप, योर हेयर टेक्सचर। जैसे हमारे स्किन के टाइप होते हैं, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, उसी तरह हेयर के भी टाइप्स होते हैं। तो अगर आपको आपके हेयर टाइप का पता हो, आपके हेयर पोरोसिटी का पता हो, तो वही हेयर मास्क आपके हेयर के ऊपर मैजिकली वर्क करेगा। सिर्फ उसे लगाने का तरीका, टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा। व्हाट इज हेयर पोरोसिटी? पोरोसिटी मीन्स पोरस। पोरस का मीनिंग है सोक करने की एबिलिटी, कोई भी चीज़ को सोक करना और उसको रिटेन करना। तो हमारे हेयर का काम भी वही है, हम जो भी एप्लीकेशन अपने हेयर पर लगाते हैं उसे सोक करना और उसकी नरिशमेंट बालों में बनाए रखना। आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारे एक सिंगल हेयर स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्यूटिकल बोलते हैं, सेकेंड लेयर को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है दैट इज मेडुला, जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है हमारे हेयर पर। हमारे हेयर की पूरी हेल्थ मेडुला पर डिपेंड होती है। अगर आपका मेडुला ठीक है, उसे सभी पोषण मिल रहा है, तो आपके हेयर ऑब्वियसली हेल्दी होंगे। अगर आपका मेडुला ठीक नहीं है, उसमें कुछ कमी है, देन वो डेफिनेटली आपके बालों के ऊपर दिखेगा। लाइक हम बोलते हैं कि यार मेरे बाल तो झाड़ू जैसे हो गए हैं, बिल्कुल भी ड्राई हो गए हैं, बाल में बिल्कुल भी जान नहीं है, तो उस केस में आपका जो मेडुला है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, उसे बहुत पोषण की नीड है। नाउ मेडुला को हेल्दी कैसे रखें? फर्स्ट थिंग इज योर डाइट। आप खाने में क्या लेते हो, आप खाने में जो भी डाइट ले रहे हो उसके थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को दे रहे हो वो सभी मेडुला को एनर्जी देते हैं। सेकेंड इज आपका हेयर एप्लीकेशन, दैट मीन्स आप हेयर पर जो हेयर मास्क लगाते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल यूज करते हो, वो आपके बालों में डीपली पेनिट्रेट होता है और वो मेडुला को एनर्जी देता है, दैट इज मेडुला को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उसे हेल्दी रखता है और इसी तरह हमारे बालों को पोषण मिलता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है क्यूटिकल्स पे। जब हम अपने हेयर पर कुछ एप्लीकेशन करते हैं, कुछ हेयर मास्क लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, उसको सबसे पहले पार करना होता है क्यूटिकल की लेयर। अगर ये लेयर स्ट्रांगली बॉन्डेड है, दैट मीन्स क्यूटिकल के जो बॉन्ड्स है वो बहुत ही स्ट्रांगली पैक्ड है, देन दैट हेयर इज लो पोरोसिटी हेयर। दैट मीन्स हेयर में कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आप कुछ भी लगा रहे हो वो क्यूटिकल पास ही नहीं होने दे रहा है अंदर मेडुला तक, तो आपके हेयर को पोषण कैसे मिलेगा? तो इस हेयर टाइप को हम बोलते हैं लो पोरोसिटी हेयर। अगर इन क्यूटिकल का स्ट्रक्चर, दैट मीन्स उनका बॉन्ड वो लूजली है, एकदम लूज है, दैट मीन्स उसके बीच में गैप है, तो दैट हेयर टाइप इज हाई पोरोसिटी हेयर। इस हेयर पे आप जो भी एप्लीकेशन करोगे, जो भी हेयर मास्क लगाओगे, वो सभी वर्क करेंगे, क्योंकि बॉन्ड्स के बीच में से जगह है, तो उधर से आप जो भी लगा रहे हो वो हेयर के अंदर चला जाएगा और आपके बालों को पोषण देगा। और इसी तरह अगर आपके क्यूटिकल्स के बॉन्ड्स में ज़्यादा गैप नहीं है, मीडियम गैप है, देन दैट हेयर टाइप इज मीडियम पोरोसिटी हेयर। नाउ यू ऑल विल आस्क मी दैट विच हेयर पोरोसिटी इज द बेस्ट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ड्राई स्किन अच्छी है या कॉम्बिनेशन स्किन अच्छी है या ऑयली स्किन अच्छी है, तो हर एक स्किन के अलग अलग बेनिफिट्स है, प्रोस है, कॉन्स है, उसी तरह हेयर पोरोसिटी के भी अलग अलग बेनिफिट्स है। लो पोरोसिटी हेयर, हाई पोरोसिटी हेयर, मीडियम पोरोसिटी हेयर, ये जस्ट एक हेयर टाइप है। अगर आपको आपकी हेयर पोरोसिटी पता है, देन इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन योर हेयर एंड ग्रो योर हेयर वेरी हेल्दी। नाउ हेयर को देख के भी आप पता कर सकते हो कि व्हाट इज़ योर हेयर पोरोसिटी। आई विल नॉट रिकमेंडेड टू डू, बट
बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ही शाइनी है, बहुत ही स्मूथ है, अगर आप कोई चोटी बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो और रबर खोलने के बाद बाल फिर से स्ट्रेट हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी कर्ली नहीं होते, देन दैट हेयर टाइप इज लो पोरोसिटी है। दैट मीन्स क्यूटिकल का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से आपके हेयर पर एक लेयर बन जाती है जो आपकी हेयर को हर चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। बट यहाँ पे आपको कुछ ध्यान में रखना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के हाई पोरोसिटी हेयर होते हैं और वो अच्छे से हेयर को मेंटेन करते हैं, जो भी हेयर की नीड है वो सब पोषण नरिशमेंट हेयर को प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से उनके हेयर भी बहुत स्मूथ एंड शाइनी दिखते हैं। तो ऐसे लोगों के आप हेयर देखकर बोलोगे कि ये लो पोरोसिटी के हेयर है, देन दैट इज रॉन्ग। तो कभी ऐसा भी हो सकता है आपके हेयर बहुत ही स्मूथ एंड शाइनी है, आपने वेल मेंटेन रखे हो और आप देख के बोलोगे कि ये तो लो पोरोसिटी की हेयर है और मैं अपने बालों पर लो पोरोसिटी का हेयर केयर स्टार्ट कर दूँगी। देन उस टाइम क्या होगा, अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, क्योंकि हर एक हेयर पोरोसिटी के टाइप के बेसिस पर आपके हेयर की केयर करना डिफरेंट होता है। तो हेयर पोरोसिटी का पता लगाने के लिए आपको एक सिंपल टेस्ट करनी है, उसके लिए एक ग्लास या ट्रांसपेरेंट कोई भी ग्लास ले सकते हो, उसमें आप फुल वाटर से उसको भर दो और उसमें आप अपना एक हेयर स्ट्रैंड डाल दो। अगर आपका हेयर सिंक होता है वाटर में, दैट मीन्स वो ग्लास के नीचे की सतह पर जाके रुक जाता है, दैट मीन्स योर हेयर इज हाई पोरोसिटी हेयर, आपके हेयर को बहुत ही नीड की केयर की और पोषण की नीड है। अगर आपका हेयर बीच में रह जाता है, देन दैट मीन्स आपका हेयर टाइप मीडियम पोरोसिटी का है। मीडियम हेयर पोरोसिटी का ध्यान रखना, केयर करना ज़्यादा ईजी होता है। अगर आपका हेयर वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, देन दैट मीन्स योर हेयर टाइप इज लो पोरोसिटी हेयर। इस तरह आप अपने हेयर पोरोसिटी का पता कर सकते हो। अब कुछ फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं आपके हेयर पोरोसिटी पर, धूल, हाई सन एक्सपोजर, केमिकल ट्रीटमेंट्स और रेगुलेटेड प्रोटीन, इन सभी चीज़ों का आपके हेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके हेयर हाई पोरोसिटी के है और आप इन सभी चीज़ों से अफेक्टेड हो, दैट मीन्स आप धूप में भी जा रहे हो बिना हेयर को कवर किए, पोल्यूशन में भी आप हेयर को वैसे ही खुला छोड़ दे रहे हो, आपने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं, देन दैट इज़ द रीज़न कि आपके हेयर और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, और वो जो डैमेज होगा वो आप रिपेयर नहीं कर सकते, एज अ रिजल्ट आपको अपने हेयर काटने पड़ेंगे। ये नौबत ना आए इसलिए धूप में जाते टाइम आपको हेयर को अच्छे से कवर करके रखना है, कोई स्कार्फ बांध लो, आप कोई पोल्यूटेड जगह पे जा रहे हो, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर योर हेयर प्रॉपरली। आपके बालों को आपको हर बार खुला नहीं छोड़ना है, उन्हें आप ब्रेड बना के रखो या जूड़ा बना के रखो तो वो हेल्दी रहेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट हेयर पोरोसिटी की हेयर को अच्छे से आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उनका हेयर केयर कैसे कर सकते हो, द फर्स्ट इज लो पोरोसिटी हेयर के हेयर को फर्स्ट थिंग इज क्लैरिफाइंग शैम्पू। लो पोरोसिटी के हेयर पर हम जब भी ऑयल यूज़ करते हैं, कोई हेयर मास्क लगाते हैं या धूल मिट्टी पोल्यूशन जो भी आपके बालों पे आता है उसे अच्छी तरह से साफ करना और बालों को नीट एंड क्लीन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ कर सकते हो जो कि आपको मार्केट में बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। ये बहुत माइल्ड और लाइट वेट होता है और ये ईजीली आपके बालों को क्लीन कर देता है, तो क्लीन करने के बाद आपके बालों पे कोई भी डिपोजिशन नहीं होगा और आपके बाल हेल्दी रहेंगे। सेकेंड थिंग इज़ मार्केट में कैस्टाइल सोप मिलते हैं जो कि बेस होता है कोई भी सोप शैम्पू बनाने का, तो उन कैस्टाइल सोप को भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ थर्ड थिंग इज़ ACV रिंग्स, दैट मीन्स एप्पल साइडर विनेगर से हेयर को वॉश करना। अगर आप कोई भी हेयर मास्क लगा रहे हो, डीप हेयर ऑयलिंग कर रहे हो, तो शैम्पू करने के बाद आपको एक या दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर नॉर्मल वाटर में डाल के सिर्फ सिंपली उस वाटर से अपने हेयर को वॉश करना है, तो एप्पल साइडर विनेगर से जो भी डर्ट या कुछ भी डिपोजिशन बचा हो वो निकल जाएगा हेयर से। नेक्स्ट थिंग इज़ हॉट ऑयल से मसाज करना।
लो पोरोसिटी हेयर के क्यूटिकल्स स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, तो हेयर तक पोषण पहुंचाना बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। तो इस केस में आप हॉट ऑयल्स का यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी ऑयलिंग कर रहे हो, कोकोनट ऑयल लगा रहे हो या कैस्टर ऑयल लगा रहे हो, तो उसे थोड़ा सा गर्म करके बाद में हेयर पे अप्लाई करना, तो उससे वो ज़्यादा जल्दी हेयर में पेनिट्रेट होगा और आपके हेयर को पोषण भी मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट मीडियम हेयर पोरोसिटी हेयर, जिनके मीडियम पोरोसिटी के हेयर है उन्हें तो खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडियम पोरोसिटी के हेयर बहुत ही ईजी होते हैं टू मैनेज। तो आप हेयर पर मास्क लगा सकते हो, हेयर ऑयलिंग कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पू ट्राई कर सकते हो, आप हेयर स्टाइलिंग भी कर सकते हो। जस्ट मैं बता दूं कि अगर आप हेयर स्टाइलिंग और ज़्यादा ही हार्श शैम्पू यूज़ करोगे तो आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं। ऑल्सो जिनके लो पोरोसिटी के हेयर है उन्हें बिल्कुल भी प्रोटीन मास्क आपके हेयर पर नहीं यूज़ करना है। आपके क्यूटिकल का स्ट्रक्चर पहले ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है और उसके ऊपर अगर आप प्रोटीन के मास्क अप्लाई करोगे तो वो आपके हेयर के ऊपर डिपॉजिट होने लगेंगे, इससे आपके हेयर ख़राब होने लगेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट हाई पोरोसिटी हेयर, तो हाई पोरोसिटी हेयर जिनके हैं उनके जो क्यूटिकल्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो बालों को प्रोटीन की बहुत ही नीड होती है। आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ प्रोटीन हेयर मास्क ऑन योर हेयर, वो आपके हेयर पर मैजिकली वर्क करेंगे। और आप खाने में भी प्रोटीन का ध्यान रखें, प्रोटीन का इंटेक भी कीजिए और हेयर पर भी प्रोटीन लगाइए। नेक्स्ट थिंग इज लीव इन कंडीशनर। लीव इन कंडीशनर आपके जो क्यूटिकल्स के गैप है उनको भर देगा। तो जब भी आप कोई स्टाइलिंग करा रहे हो या बाहर जा रहे हो तो उस टाइम आपके हेयर ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। नेक्स्ट थिंग इज डीप कंडीशनिंग। आपके हेयर को डीप कंडीशनिंग की बहुत ही नीड होती है। ऑल्सो जब भी आप बाहर जा रहे हो, धूल मिट्टी में, पोल्यूशन में जा रहे हो, तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने बालों को अच्छे से कवर कर लें। सो आई थिंक मैंने सभी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट हेयर टाइप के लिए वो मैंने बता दी है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, देन आप उनको कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।